ये है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। 24 नवंबर 2021 से पहले इसे झांसी जंक्शन के नाम से जाना जाता था और इस स्टेशन का नाम क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बदला गया। दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक जंक्शन है जहां पर अलग अलग दिशाओं से आने वाली ट्रेनें पहुंचती हैं। दोस्तों, समुद्र तल से इस स्टेशन की ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। यहां कुल 8 प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। वर्तमान में 259 से अधिक ट्रेनें यहां रुकती हैं, इसलिए इसे ग्रेड ए प्लस का रेलवे स्टेशन माना जाता है। लगभग 10 ट्रेनें यहां से बनकर अलग अलग दिशाओं की तरफ जाती हैं। दतिया, ओरछा, ललितपुर, ग्वालियर व उरई इसके पड़ोसी स्टेशन हैं। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग बुकिंग काउंटर की यहां पर व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का दर्जा भी मिला है। सुदूर प्रांतों से आने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की कठिनाई ना हो, इसके लिए जगह जगह ट्रेनों की आवागमन की सूचना का प्रसारण करने के लिए डिजिटल बोर्ड लगे हैं। चलने वाली सीढ़ियां हैं जिनको एक्सीलेटर भी कहा जाता है। वे अपनी पूरी क्षमता से दिन रात काम करती रहती हैं। इनकी वजह से ओवरब्रिज के ऊपर यात्रियों की भीड़ काफ़ी तेज़ी से कम हो जाती है। विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए अलग अलग प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गई है। साथ ही यात्रियों के लिए विश्राम गृह एवं अमानती सामान गृह भी यहां उपलब्ध हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने के लिए बेंच और कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही शारीरिक रूप से असक्षम यात्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लिफ्ट एवं रैंप की व्यवस्था की गई है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य द्वार के समीप है। साथ ही यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य द्वार के सामने बने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के 2 पर्यटन सूचना केंद्र हैं, जिनसे यात्री अपने पर्यटक स्थल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर यात्रियों के आने जाने के लिए दोनों तरफ से व्यवस्था है, जिसके कारण निश्चित ही यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलती है। कानपुर, उरई, लखनऊ, ग्वालियर इस तरफ से आने वाले यात्री सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुंचने के लिए पूर्वी गेट का प्रयोग करेंगे, जबकि मुंबई, इटारसी, भोपाल, बीना, ललितपुर आदि जगह से आने वाले सामान्यतः पश्चिमी छोर से प्रवेश करेंगे। यात्रियों के लिए स्टेशन पर शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन की व्यवस्था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उपलब्ध है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के इतिहास से लोगों को परिचित कराने के लिए पुराने चित्रों का संग्रह प्रदर्शनी के तौर पर मुख्य प्रवेश द्वार के समीप ही लगाया गया है। जिन लोगों को किताबें पढ़ने में रुचि है, उनके लिए भिन्न भिन्न विषयों पर पत्रिकाएं, उपन्यास, न्यूज़पेपर आदि के लिए किताब घर उपलब्ध हैं। आशा है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर बनी ये संक्षिप्त वीडियो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक और लाभदायक सिद्ध होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ और लोगों के साथ शेयर भी करें और कमेंट में कुछ ऐसा लिख दीजिए जिससे दोबारा मेरा मन करे और मुझे प्रेरणा मिले कि आगे और इसी तरह की वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। मैं हूं आपका वही पुराना अजय झांसी ब्लॉगर, और जितने भी व्यूअर्स इस चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाएं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।